मीटअप बनाओगे क्या? तो मैं सब छात्र बीएससी के क्लास चली आप सबकी? हाँ क्लास चली, बीएससी वालों की क्लास भी चल चुकी है। तो कैसा लग रहा है मुझे देख करके? अब तक तो ऑनलाइन देखते थे। नहीं, बहुत अच्छा लगा है। मतलब बहुत दिन आपसे मिले थे पहले से, ये सोचे थे कि आपको मिलना है। अच्छा, हम तो खुद ही आपके पास आ गए। कैसा लगा विश्वविद्यालय देख करके? बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है विश्वविद्यालय। अच्छा, क्लासेज के बारे में बताइए। देखिए, क्लास तो आपकी तो चल रही स्टार्ट हो गई, टीचर पढ़ाए आज? हाँ, कैसा पढ़ाए आपको बताइए, इसमें वीडियो में बताइए। बेसिक से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, बोले कि बुक बुक ले लीजिए आप, अभी मतलब 11 12th का वो रिकॉल करा रहे हैं कि आप पढ़िए। हाँ। फिर बोले कि अभी दो एक दो दिन और क्लास चलेगी, उसके बाद विंटर वेकेशन बता दिए हैं, बुक आप ले लीजिए और जब जनवरी क्लास खुलेगी तो हम एकदम सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, मतलब जनवरी से एकदम परमानेंट सिलेबस। अच्छा, छोड़ा तो यार पढ़ाई लिखाई तो हो बे करे, तो सब तो मैं कट ऑफ होके एडमिशन लेकर आए हूँ। क्या मतलब क्या फील कर रहे थे जब कट ऑफ ऊपर नीचे जा रही थी? सबसे पहले तो बहुत डर बना हुआ था कि हमारी एडमिशन होगी यहाँ पे कि नहीं होगी, लेकिन जब हमारी कट ऑफ आ गई। अच्छा, कहाँ से सूचना पाते थे? सही बताना, ऐसी मैथ के दो नंबर घटा था तब ये ज्यादा घबराए थे, लो मेरा हो गया, पता रुको भी बात करता हूँ। पहली मरतबा देख करके कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। एक मतलब घर में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, पापा मम्मी, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग जैसे भैया लोग हैं, सीनियर्स हैं, ऐसे गाइडेंस लेने के लिए एज ए फादर्स ब्रदर्स एज ए वर्क कर रहे हैं, तो फिर वो हमारे लिए सही है। और लगातार जैसे CUET इस बार पहली बार हुई थी तो कट ऑफ या फिर एडमिशन के बारे में लगातार हम लोग को कोई आइडिया ही नहीं थी, और जिससे भी पूछो आइडिया कुछ बता ही नहीं रहा था। अच्छा, लेकिन आपका वीडियो जब देखते थे, अच्छा जैसे कि मैं तो वीडियो हमको हमसे पहले भी आप लोग कई का वीडियो देखे होंगे। हाँ। तो मतलब ये बताओ कि मैं तो सीधे सीधे न्यूज आपको देता हूँ, तो सबका देखना बंद कर दिए भैया को? आप मोबाइल स्क्रीन पे देखते थे, आज सामने देख रहे हो, ठीक है? कोई कुछ बदलाव, कोई कुछ ईगो, नहीं, कोई कुछ नहीं, लग रहा है कुछ नहीं, नहीं है, ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, आप लोग ये भी जान लीजिए, सब बोल रहे हैं वीडियो से ज्यादा अच्छे हम सामने से लग रहे हैं, चमक रहे भैया। और कुछ अपने बारे में, कहाँ से हो? आप कहाँ से? प्रयागराज। सोनभद्र में बहुत नक्सल एरिया है ना? आप प्रयागराज से? यूपी से। कहाँ? अम्बेडकर नगर, मेरा पड़ोसी है, मेरा सुल्तानपुर। बिहार से। बिहार कहाँ से? छपरा जिला से। छपरा। आप देवरिया से? देवरिया से, गाजीपुर से। तो सब पश्चिम के इलाके के एकदम दहाड़ रहे हैं सब। खैर ठीक है, तो और कुछ बताइए, और कुछ बताइए मतलब अपनी फीलिंग्स के बारे में कि क्या आप तो यूनिवर्सिटी के बारे में सोचते थे? उससे ज्यादा बेटर लग रहा है, उससे ज्यादा बेटर लग रहा है। अच्छा, बीएससी के लिए हॉस्टल कौन सा लॉन्च हुआ? अरे तुम कहाँ से यार, हॉस्टल अभी बता दिया जाएगा वो सब चीजें। अच्छा, और कुछ कोई कहना चाहे तो वीडियो के कैमरे के सामने कह सकता है, आप सबको बहुत लोग देखेंगे। अच्छा, जो आने वाले बच्चे रहते हैं यहाँ पे, जो आने वाले तैयारी कर रहे हैं, जैसे इस साल उनका नहीं हुआ, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही है कि बस आप इस साल उनका अगर नहीं हुआ तो सीधे जाके कॉलेज में एडमिशन ले ले, भी एडमिशन चल रहा है। 100 नंबर कट ऑफ गिरी है। ये कहना चाहेंगे ड्रॉप मत करें इस साल, ये बात है। कुछ और कहना चाहोगे तो? और यहाँ मुझे कैसे आप भाग ज्ञापन करोगे ये बताओ पहले। सबसे पहले हम जो भी सर के लिए कहना चाहे वो बहुत ही कम होगी, क्योंकि हमारी जो भी फीलिंग्स थी और कहीं ना कहीं एक संतुष्टि वाला जो न्यूज मिलता था वो भैया के थ्रू मिलता था। और अच्छा, ये बताओ कि जैसे तुम ही देखते थे कि मम्मी और पापा को किसी को फीड कर दिया था? पापा वो लोग भी देखते थे वो न्यूज। रियल स्टोरी जब नहीं होता था तो आप वीडियो भी सारी भैया की बातें खरी उतरती थी ना। हाँ, वो पापा भी सुनते थे। रियल स्टोरी बता रहा है, जब मैथ्स की कट ऑफ आई थी पहली 647 थी और हमारी 517 मार्क्स थी, तो हमारे जो अंकल यहीं BLLB कर रहे हैं वो कहें कि बेटा तुम्हारा यहाँ होने वाला नहीं है, तो उम्मीद वगैरह छोड़ दो। फिर हमने लगातार भैया के वीडियो वगैरह देख रहे थे, तो उनसे ये था कि भाई हमारा है एकदम 100% कि मेरे को यूनिवर्सिटी ही मिलेगी, कैंपस ही मिलेगी। और भैया की जब मैंने वीडियो शेयर करी उनसे, तो वो फिर अपना जो भी आइडियाज वगैरह, ठीक है भाई तुम जब भैया ऐसे हैं तो फिर होगी। और एक और वीडियो जो भैया ने बनाई थी इसकी कि कितनी अभी एडमिशन हुई है किस डिपार्टमेंट में, वो भी हमें और भी जो कॉन्फिडेंस लेवल हमारी बढ़ी, उससे और भी कॉन्फिडेंस हमारी बढ़ी, उससे आइडिया लगे कितना हुआ है, कितना भी बचा, अभी भी बहुत एडमिशन चल रहा है। अच्छा ये बताओ, विजय धुआ का प्रसाद किसने मांगा था? कमेंट में
अच्छा तुमने मांगा था तो कैमरे शूट करें उनका भी दिखा दी जाए। ये हैं एम एस सी के छात्र हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, यूनिवर्सिटी के ही हैं। ये मेरे मित्र हैं, ये हैं ऋषभ, इनका भी बहुत अच्छा कार्य रहता है। ये है गंगेश, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ऐसे ही खूब आगे बी एस सी में पता बा कितने जने फेल होते हैं, 38% जने पास आए क्या जान ला, 38% लोग पास हैं बी एस सी। बेलट गाइस, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना है ना, स्टार्टिंग से पढ़िएगा, पूरा करना है कि नहीं करना है, सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं उनसे आप लोग मिला करिए, है ना, जो आपके सीनियर्स हैं, और यहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल नेचर भी बहुत लोगों का। और बी एस सी में ज़्यादातर मैक्सिमम आपको गाय देखे कि नहीं देखे, घंटी बजा दो गाय की, आवाज मेरे साथ टच कर लो वरना गार्ड छोड़े रहेंगे गाय की घंटी को। चलो चलिए सर, चला जाए, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, फोटो हो जाए, ये देखिए सब।